दोस्तों, ये वीडियो है डिटेल्ड में, आपको मीनिंग बताना है म्यूचुअल फंड का। उसके लिए म्यूचुअल फंड का मीनिंग यहाँ क्लियर होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड आने तक हम यहाँ पर एक बारी पहले इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। देखिए, नॉर्मल हर कोई पर्सन अपने करियर के दौरान अपने जो इनकम है उसमें से कुछ ना कुछ पैसा सेव करने का सोचता है कि हमें कुछ ना कुछ सेविंग करनी है। अब सेविंग करके उस पैसे का क्या किया जाएगा, सेविंग करने के बाद उस अमाउंट के साथ क्या किया जाए, आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। पहला तो ऑप्शन यही आता है कि आप अपने पैसे को आइडल रहने दो, मतलब उसको वैसे ही रख दो जैसे आपने कमाया है उसकी सेविंग में, घर पे अपने आइडल रख दो, अपने गुल्लक में रख दो। ठीक है, आपने अपने गुल्लक में सेव कर दिया, या आज के टाइम में अपनी तिजोरी में, अपने सेफ में आपने उस पैसे को रख दिया। बैंक में जमा करवाना है तो बैंक के करंट अकाउंट में जमा करवा दिया, आपके बिजनेस का जो अकाउंट है वहां पैसा पड़ा है, आइडल पैसा पड़ा है, कोई इनकम नहीं है इसके ऊपर। घर पे पैसा वेस्ट पड़ा है, कोई इनकम नहीं है। बैंक के करंट अकाउंट में पैसा पड़ा है, कोई इनकम नहीं है। तो क्या इसमें आपका कोई नुकसान है? बहुत से लोग कहेंगे, नहीं सर, ना तो कोई नुकसान है ना कोई प्रॉफिट है, बट मैं कहूंगा इसके अंदर आपका टोटल लॉस है। आप इन्फ्लेशन फैक्टर को दिमाग में नहीं लेकर आ रहे। आज जो 100 रुपए है ना आपकी जेब में, वो 100 रुपए एक साल बाद दिखेंगे तो 100 रुपए, बट उसकी वैल्यू होगी 94 या 95 रुपए की ही। बिकॉज हर साल क्या है, 6-7% तो महंगाई बढ़ी जाती है, 5-6-7 अलग अलग आंकड़ा चलो चेंज होता रहता है, लेकिन 6-7% अगर महंगाई बढ़ती है, इसका मतलब आज जो चीज 100 रुपए में आ रही है, एक साल बाद वो 105-106 रुपए में आएगी। तो आपकी जेब में जो नोट 100 रुपए का पड़ा है, वो 100 रुपए का रियलिटी में रहा नहीं है, उसकी रियल वैल्यू 100 रुपए नहीं रही है एक साल बाद। तो इसीलिए अगर पैसा आपके पास घर में आपने ऐसे सेव करके रख लिया, आपने 1 लाख की सेविंग कर ली, एक साल बाद भी वो 1 लाख दिखेंगे लेकिन वो वैल्यू 1 लाख की नहीं बची, मतलब आपको लॉस हुआ है। आइडल मनी इसीलिए कभी भी नहीं रहनी चाहिए, आपको उस पैसे को इन्वेस्ट करना ही करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्ट कहां करें, इन्वेस्ट कहां करें, इन्वेस्टमेंट के हमारे पास क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है बैंक का सेविंग अकाउंट। आपने कहा बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हैं, वहां पैसा सेव कर लेते हैं, सेविंग अकाउंट में साल का ब्याज मिलेगा मैक्सिमम 3 से 4%। इससे ज्यादा तो महंगाई की अपनी दर क्या होती है, इससे ज्यादा होती है, 5-6-7% तक महंगाई चली जाती है। तो सेविंग ऑप्शन के अंदर, सेविंग अकाउंट के ऑप्शन के अंदर आपको इनकम मिलेगी, बट उतनी नहीं मिलेगी जितनी महंगाई हो रही है। तो यहां पर भी आपको कुछ ना कुछ तो क्या है, लॉस ही बियर करना पड़ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है बैंक में एफडी खुलवा लो। एफडी में आपकी महंगाई लगभग लगभग कवर हो जाती है, 6-7% साल का ब्याज मिलता है, इतनी ही लगभग इन्फ्लेशन आती है। तो एफडी में भी आपको लगेगा मैं इनकम कमा रहा हूं, भाई एफडी में कोई इनकम नहीं कमा रहे, बस नो प्रॉफिट नो लॉस के ऑप्शन पे अभी आप आए हो। आपको ना कोई फायदा हो रहा इसमें, ना कोई नुकसान हो रहा, जितना ब्याज कमाया है उतनी महंगाई भी बढ़ गई। ठीक है जी, अगला है गोल्ड। आप गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करो, गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, गोल्ड के अंदर आप देख रहे हो पिछले कई सालों में बहुत ज्यादा ग्रोथ भी देखने को मिली है, कभी एकदम से बहुत ज्यादा बड़ा है, कभी फिक्स्ड स्टैग्नेंट रहा है, फिर दोबारा ग्रोथ देखने को मिल रही है अभी इन्हीं दिनों में। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन के बारे में सोच सकते हो। यहां आप 10-15-20% तक आप क्या है एनुअल, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप कमा सकते हो। लॉस होने के चांस गोल्ड में कम ही है भाई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करोगे तो गोल्ड में लॉस नहीं होगा। शॉर्ट टर्म अलग बात है, आपने आज खरीदा 6 महीने बाद ही बेचना है तो हो सकता है रेट डाउन हो गया हो, आपको लॉस में बेचना पड़ जाए, बट लंबी अवधि के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है रियल एस्टेट का। आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाओ, लैंड बिल्डिंग में पैसा लगाओ। अब रियल एस्टेट में दो तरीके की इनकम हो सकती है। अगर आपने लैंड में पैसा लगाया है, प्लॉट खरीद के छोड़ा है या कोई खेती की जमीन ली है, इस तरह कोई आपने ऑप्शन किया है, अगर आपने लैंड में पैसा लगाया है तो लैंड की वैल्यू एप्रिसिएशन होगी। ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में ना हो लेकिन लॉन्ग टर्म में आमतौर पर होती है बहुत से केसेस में। अब इसमें क्या, लॉन्ग टर्म भी बड़ा लॉन्ग टर्म होता है, 1-2 साल, 5 साल लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट में नहीं माना जाता, 10-20-25 साल की बात की जाती है। तो रियल एस्टेट में 1-2 साल, 5 साल में उस तरह रेट कम हो जाए, जैसे अभी पिछले टाइम में काफी जगह रेट कम हुए हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन 20-25-30 साल तक इसमें आपको, अभी तक इतिहास कहता है कि इनकम होती ही होती है, वैल्यू एप्रिसिएशन होती ही होती है। दूसरा, अगर वो लैंड के साथ उसके ऊपर बिल्डिंग भी बनी है
तो लैंड की वैल्यू तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, अब बिल्डिंग का रेंट भी कवर कर सकते हो। अगर वो लैंड आपकी एग्रीकल्चर लैंड है तो लैंड की वैल्यू तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आप एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के थ्रू वहां से आप खेती की कमाई भी कर सकते हो। तो रियल एस्टेट में भी आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है स्टॉक मार्केट का, कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। बहुत रिस्क की जगह है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं आपको पर्सनली एडवाइज करूंगा कि शेयर मार्केट में तभी एंटर करना यदि आपको पूरी नॉलेज है शेयर मार्केट की। तो आपको कंपनीज के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, कंपनीज के बैकग्राउंड पता होने चाहिए, जो अभी तक काम किया है उस काम की नॉलेज होनी चाहिए, कंपनी की फ्यूचर क्या प्रोस्पेक्ट है कंपनी का पता होना चाहिए, जिस सेक्टर में वो कंपनी उस सेक्टर कैसा चल रहा है मार्केट में ये भी पता होना चाहिए, फ्यूचर में सेक्टर ग्रो करेगा कम करेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज उसके बारे में कैसी है, इकोनॉमी की पोजिशन क्या, उस बिजनेस को क्या है सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही, सब कुछ देखना पड़ता है। सब कुछ देखने के बाद भी रिस्क रहता है, ठीक है। इसीलिए स्टॉक मार्केट के अंदर आप शेयर्स में पैसा लगा सकते हैं, डिबेंचर्स में पैसा लगा सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मार्केट का रिस्क ध्यान में रखना पड़ेगा और आपको आपकी नॉलेज हाई लेवल की रखनी पड़ेगी तभी एंटर करिए, अदरवाइज यहां लॉस होने के बहुत ज्यादा चांस है। और शेयर मार्केट के अंदर भी अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो लॉस के बहुत ज्यादा चांस है इन कंपेरिजन टू लॉन्ग टर्म। अगर आप लॉन्ग रन में पैसा लगाते हैं तो फिर भी प्रॉफिट आ जाते हैं अच्छी कंपनीज के शेयर्स में, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो टोटली रिस्क है, जुए की तरह काम चलता है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट को बड़ा ही सोच समझ के एंटर करना चाहिए इसके अंदर। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड में क्या होता है, दरअसल एक होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो कहती है कि आओ हमारे पास सब लोग अपनी सेविंग हमें दो, हम क्या करेंगे जितनी आपने अपनी सेविंग दी उस सारे का एक म्यूचुअल फंड बनाएंगे, उस पैसे को हम इन्वेस्ट करेंगे कंपनीज के अंदर। हमारे पास एक्सपर्ट्स बैठे हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने एक्सपर्ट्स अपॉइंट करती हैं, अलग अलग फील्ड के बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, उन एक्सपर्ट्स की एडवाइस के बेस पर वो पैसा, आपका पैसा और आपके जैसे बहुत से लोगों का पैसा उन कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। फिर आपके पैसे में जो इनकम आएगी 10, 15, 20, 25, 5% जो भी इनकम आई उसमें से वो अपना 1-1.5% कंपनी अपने पास रखेगी और बाकी सारा आप में बांट देगी। मतलब म्यूचुअल फंड कंपनीज के अंदर और आपके बीच का मीडिएटर है, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी मीडिएटर का काम करेगी। इनको नॉलेज है इन्वेस्टमेंट की कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, ठीक है। अब ये म्यूचुअल फंड भी क्या है, कई तरह के होते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड। ये कंपनी क्या करेगी, आपके पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेगी, आपके पैसे को डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट करेगी। कंपनी जब जनता से लोन लेती है तो वो डिबेंचर्स के थ्रू लोन लेती है और उस लोन पर एक फिक्स्ड रेट से ब्याज मिलता ही मिलता है और आपका पैसा भी वापस मिलने की लगभग लगभग गारंटी होती है, भी पैसा मिलेगा ही मिलेगा। सेफ इन्वेस्टमेंट होती है शेयर मार्केट। अगर स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट में डिबेंचर्स सबसे ज्यादा सेफ होते हैं। तो ये कंपनी डाइवर्सिफाइड तरीके से आपका पैसा लगाएगी, मतलब आपका पैसा कंपनीज के डिबेंचर्स में भी लगाएगी, आपका पैसा कंपनीज के शेयर्स में भी लगाएगी और आपका पैसा कंपनी के किसी एक शेयर में नहीं लगेगा, अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनीज के अंदर आपका पैसा लगेगा। डाइवर्सिफाई कर दीजिएगा पूरा पैसा, सारा पैसा डाइवर्सिफाई होगा अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग डिबेंचर्स में, अलग अलग शेयर्स में। तो यहां रिस्क कम है, यहां रिस्क कम है। डिबेंचर्स तो लगभग पूरा ही सेफ है, मोटा मोटी पूरा ही सेफ है, थोड़ा बहुत अगर मार्केट रिस्क कंपनी मान लो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई, बिल्कुल ही इंसॉल्वेंट होगी तो अलग बात है, डिबेंचर्स आपका सेफ है। और शेयर्स भी किसी एक सेक्टर में नहीं लगा, अलग अलग शेयर्स में लगा, अलग अलग सेक्टर्स में लगाए, अलग अलग कंपनीज में लगाए। तो कोई एक कंपनी या एक सेक्टर का डाउन आया भी तो आपका जो जो शेयर है, आपका जो यूनिट है, उसका प्राइस इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दूसरी कंपनी से प्रॉफिट भी आया होगा, समझ गए। तो डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट करती है, शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करती है। नेक्स्ट है डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड में और ज्यादा सिक्योरिटी है, आपका पैसा सिर्फ कंपनीज के डिबेंचर्स में लगेगा और उस पर आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इनकम मिलेगी भी ही मिलेगी। अब देखो इसमें एक चीज और है, दिमाग में पॉइंट रखना, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, लो रिस्क लो प्रॉफिट। यहां पर आपको 6, 7, 8, 10 बस इससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकता ब्याज, ठीक है, बिकॉज ये डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, फिक्स्ड रेट से आपको क्या है इनकम देगा, जस्ट लाइक एफडी,
ज्यादा नहीं इनकम हो सकती, आप इसमें ज्यादा नहीं कमा सकते, ठीक है, लेकिन सेफ्टी ज्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड। तो आपका पैसा कंपनी के इक्विटी शेयर्स में भी लगा रहा था, कंपनी के डिबेंचर्स में भी लगा रहा था, लेकिन अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो आपका पैसा डिबेंचर्स में नहीं लगेगा, ओनली शेयर्स में लगेगा। लेकिन डोंट वरी, शेयर्स में पैसा अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग कंपनीज में लगेगा, किसी पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनी में नहीं लगेगा, बांट के लगेगा। कोई एक सेक्टर अगर डाउन हुआ तो दूसरा सेक्टर अप भी रह सकता है, एक कंपनी अगर डाउन हुई तो बाकी कंपनीज अप भी रह सकती है। लेकिन अगर पूरी शेयर मार्केट ही डाउन हुई तो आपका पैसा भी डाउन में जाएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट भी डाउन में जाएगी, श्योर है। वहीं डाइवर्सिफाइड में डिबेंचर्स कुछ बचा लेते हैं, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में तो सारा पैसा ही बच जाता है, शेयर मार्केट के डाउन होने का डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में फर्क इतना नहीं पड़ता। गॉट इट। लास्ट है सबसे ज्यादा रिस्की लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल भी जो हो सकता है, वो है सेक्टोरल म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, आपके पैसे को एक सेक्टर स्पेसिफिक कंपनीज में लगाते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर का म्यूचुअल फंड है तो वो म्यूचुअल फंड आपके पैसे को सिर्फ बैंकिंग कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेगा। अब आप देखते हैं कई बार देश के अंदर एक पर्टिकुलर सेक्टर बहुत ग्रो करता है या धड़ाम से नीचे गिर जाता है, तो ये आपके म्यूचुअल फंड में होने वाला है, सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में होने वाला है। अगर बैंकिंग सेक्टर ग्रो करेगा तो आपके म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स हैं उसका रेट भी ग्रो करेगा, आपकी इनकम भी ग्रो करेगी। लेकिन अगर बैंकिंग सेक्टर डाउन आ गया तो आपके म्यूचुअल फंड की यूनिट्स भी, उनका प्राइस भी डाउन आ जाएगा, आपकी इनकम भी जाएगी। ऐसे ही बैंकिंग सेक्टर है, ऐसे ही रियल एस्टेट का सेक्टर है, ऑयल एंड नेचुरल गैस का सेक्टर है, एफएमसीजी का सेक्टर है, गेटिंग, सीमेंट वाली अलग भी कंपनीज का अलग सेक्टर बना हुआ है। इस तरीके से जितने भी सेक्टर हैं, अलग अलग सेक्टर का सेक्टर स्पेसिफिक फंड भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जितने भी मार्केट के अंदर आपको म्यूचुअल फंड की एड देखते हो या म्यूचुअल फंड का कोई अगर कंसल्टेंट अगर आपको राय देता है तो आप इन चारों फंड्स के अंदर उनको कैटेगराइज कर सकते हो। आपकी इनकम की एक्सपेक्टेशन या आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हम नाम लेंगे, जो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उस हिसाब से आप अपने म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा म्यूचुअल फंड्स शेयर मार्केट में सीधे इन्वेस्ट करने से तो कहीं बेटर है, एंड दे आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट का जो बिजनेस रिस्क है वो यहां पर भी थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन फिर भी लॉसेज बहुत कम होते हैं म्यूचुअल फंड में। 5% से लेकर 30% तक इनकम हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो अगर आपको शेयर मार्केट में एंटर करना है तो बजाय डायरेक्ट एंटर करने के गो थ्रू म्यूचुअल फंड्स। एक तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने आप इन्वेस्ट करेगी, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है कौन सी कंपनी में पैसा लगाऊं, रेट गिर गया ऊपर हो गया, आपकी धड़कन ऊपर नीचे नहीं होगी, वो आराम से चलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको म्यूचुअल फंड का आपको बेसिक फंडा बताया है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हम फर्दर ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहें। थैंक यू।